हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल, आई एम अंजनी कौ मिश्रा। आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग जानने वाले हैं कैसे आप गिटहब पे कोई भी रिपोजिटरी बनाए हो तो वहाँ पे आप एक नया कोई अलग सा फाइल, कोई नया फाइल ऐड कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मेरा ये गिटहब का एक रिपोजिटरी है, यहाँ पे मैं कोई और फाइल्स ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, जो अभी ऑफलाइन है मेरे पास, यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, इसे मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ, प्लस उनका वेबसाइट भी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे github.io लगा हुआ है, यानी कि पहले से वेबसाइट बना हुआ है। तो मैं आपको बेसिकली दिखा दूँ सेटिंग्स में जा करके। देखिए यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है, वेबसाइट ऑलरेडी, और ये सक्सेसफुल चल रहा है। तो मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ, देखिए ये सक्सेसफुली वेबसाइट चल रही है। ठीक है, तो अब हम वापस कोड में चले जाते हैं। इस चीज़ को करने के दो तरीके हैं। पहले तो आप क्रिएट फाइल कर लो, ठीक है, क्रिएट फाइल करके भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली फाइल का जो कोड है वो आपको डालना होगा, नेम ऑफ द फाइल डालना होगा, बस। ये थोड़ा सा हार्ड मेथड हो सकता है अगर आपके पास ऑफलाइन अभी फाइल है तो, क्योंकि एक स्टैटिक वेबसाइट पब्लिश करने के लिए आपको CSS होना चाहिए, CSS होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए, तो बहुत सारे फाइल आपको बनाने पड़ेंगे। दूसरा मेथड है गाइस अपलोड फाइल्स, ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है, बट ये उतना अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि आप इसमें फोल्डर अपलोड नहीं कर सकते, केवल फाइल ही अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग को फोल्डर भी अपलोड करना है, हम लोग उसको कैसे करेंगे? तो ये तीसरा मेथड है और सबसे बेस्ट मेथड है ये सब करने का। अगर फाइल है तो फाइल भी हो जाएगा, फोल्डर है फोल्डर भी हो जाएगा। तो मैं बेसिकली आपको पहले कोड दिखा दूँ जो मैं यहाँ पे पब्लिश करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप रिपोजिटरी नहीं बनाए हो तो मेरे चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध है, ये देखिए रिपोजिटरी बनाना, और अगर आपको रिपोजिटरी को वेबसाइट में कन्वर्ट करना है तो ये वाला वीडियो देख लो। ठीक है, तो बेसिकली मैं कोड दिखा देता हूँ जो मैं पब्लिश करने वाला हूँ। ये गिटहब, ये फोल्डर है मेरा और ये कोड्स हैं जो मैं पब्लिश करने वाला हूँ। ठीक है, और ये सारे कोड्स आप देख सकते हो फोल्डर में हैं, फोल्डर और उसके अंदर भी फोल्डर है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर ये सब स्टैटिक वेबसाइट्स हैं। ठीक है, इनमें मैं वेबसाइट भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सिंपली वो क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, चले आना है वो गिटहब पे, अकाउंट नहीं बनाया तो बना लो, रिपोजिटरी सेलेक्ट करना जिसमें आप करना चाहते हो। ठीक है, अब इस रिपोजिटरी का आपने नाम क्या रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है newtools.github.io। आपको क्या करना है गाइस, गिटहब डेस्कटॉप खोलना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था गिटहब पे जब भी आप पोस्ट कर कोई नया फाइल अपलोड करते हो तो गिटहब डेस्कटॉप मैंने बताया था आपको कि आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आप इन मेक श्योर आप इन दोनों वीडियो को चेकआउट जरूर करना, ये दोनों वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब क्या करना है गाइज, अब यहाँ पे जो है ये खुल जाएगा मेरे पास, इसमें बिग पर बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं फिर चूज़ करना है वो रिपोजिटरी जो आप करना चाहते हो, तो यहाँ पे कौन था गाइज, यहाँ पे मेरा न्यू टूल्स, यहाँ पे जो नाम है जो गिटहब पर रिपोजिटरी का जो आपने नाम रखा है, बेसिकली मान लीजिए मैं यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ ना, जिसका नाम मैंने न्यू टूल्स github.io रखा है, तो मैं सिंपली चला जाऊँगा न्यू टूल्स, ये है। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लोकल चेंजेस अभी नहीं बता रहा, अभी हम पे सो इन एक्सप्लोरर करना है, और ये आपके पास ये आ गया, ये सारे फाइल्स आ गए हैं जो आप अभी यहाँ पे सोर्स कोड में उपलब्ध है। अब क्या करना है गाइस, सिंपली इनको छोड़ दीजिए और यहाँ पे आइए, जो भी फाइल्स आप अपलोड करना चाहते हो, ये फाइल मैंने अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं ये करूँगा, यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ये हो गया। अब यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये आपके बेसिकली वो सारे फाइल्स आ गए होंगे जो आप बेसिकली वहाँ पे कॉपी पेस्ट किए थे। आप सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कुछ भी आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यू टूल एडेड टू। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये, और कमिट टू मास्टर कर लेना आपको, ये थोड़ा टाइम लेगा बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ठीक है, अब मैं बेसिकली ये जो फाइल है जिसे आपको अभी डिलीट नहीं करना है, ठीक है, अभी बिल्कुल भी डिलीट मत करना क्योंकि जब तक ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता। सो अभी बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपके इसमें अपलोड कर रहा है, अभी आपको पब्लिश ओरिजिन करना होगा। ये देखिए ये हो गया, कमिट टू मास्टर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है गाइस, अब यहाँ पे आ गया पुश वन टू कमिस रिमोट। यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है पब्लिश ओरिजिन पर क्लिक, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये अभी अपलोड कर रहा है आपके यहाँ पे। ओके, सो ये देखिए 59% हो गया है, और
ये हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अगर आपने सेटिंग में जाके कभी पब्लिश ब्रांच नहीं किया तो कर लेना, ठीक है, वरना सब कुछ ठीक होगा। तो ये 63% हो गया। बेसिकली अब आपको क्या करना है, जैसे ही इस यहाँ पे आ जाएगा ये जो 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 भी ये हैं फाइल्स जो आपके थे वो आ जाएंगे, तो आपको बेसिकली क्या करना है, उसको अपने न्यू फोल्डर में ओपन करना है। मान लीजिए मेरा ये है, तो वो जो जो आपका जो पाथ है यानी जिस फोल्डर में आप सेव किया, जिस इंडेक्स जो जिसमें भी आप सेव किया है, उसमें आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, अभी कुछ देर में ये सिंपली खाली हो जाए तो हो गया है। कम ऑन हो जाओ यार, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपको इसको रिफ्रेश कर लेना है, ये हो गया। और अब देखिए, अब मान लीजिए मैं ये करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, कोड टूल्स कर लेते हैं, ठीक है। ये कोड टूल्स मैंने अभी एडिट अभी डाला था, आपको याद ही होगा। ये देखिए यहाँ पे अभी मैंने डाला था कोड टूल्स, तो मैं बेसिकली इसको खोल के दिखा देता हूँ। कोड टूल्स इंटर करेंगे, अभी देखोगे अभी 404 का एरर आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। अगर आप थोड़ा देर बाद ट्राई करोगे तो होपफुली ये हो जाएगा। वैसे आज के सीडियो टाइम मिलेगा अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये दोनों वीडियोज चेकआउट नहीं किया तो कर लेना, इन दोनों वीडियोज़ को देख लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं अगर आप गिटहब पे स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो।